नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुमरा कौसा में सभी नगर सेवकों के साथ टीएमटी के अधिकारियों ने यहां मुमरा कौसा का दौरा किया और इस सर्वे में उन्होंने देखा कि मुमरा कौसा में जहां जहां रोड वाइंडिंग में जो बस स्टॉप निकाले गए थे उस जगह को वापस से दोबारा से बस स्टॉप लगाया जाए। यहाँ इस सर्वे में उन्होंने 13 जगहों पर यहाँ पर सर्वे किया है। जिस तरीके से राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से 1 दिसंबर से जो मुहिम शुरू की गई थी कि बस स्टॉप ढूंढो मुहिम शुरू गई थी, उसके बाद से काफ़ी दिनों तक यहाँ पे मुमरा में कोई बस स्टॉप नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले दिनों में यहाँ पे राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से जो शानू पठान और जो और सभी नगर सेवकों ने यहाँ पर थाना महानगर पालिका में महापुर से उन्होंने बताया कि बस स्टॉप लगाए जाए। जिस तरीके से यहाँ पे आज सर्वे में देखा गया कि जो बस स्टॉप यहाँ पे लाए गए हैं मुमरा कौसा में वो पुराने बस स्टॉप है, उसको सिर्फ यहाँ पे कलर लगाकर यहाँ पे दोबारा से फिट किया जा रहा है। इस बारे में यहाँ के जो अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आज 1.5 महीने से हम लोग ने अवार्ड साहब जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में सभी नगर सेवकों ने मिलकर बस स्टॉप ढूंढने की जो आंदोलन की शुरुआत जो मुहिम की शुरुआत की उसको देखते हुए महासभा ने भी महासभा में हम लोग ने कई दिनों तक कई महासभा में आवाज उठाई। माननीय आयुक्त महोदय माननीय महापौर मैडम ने ये रूलिंग दी थी 1 महीने के अंदर मुमरा कौसा से लेकर रेती बंदर तक बस स्टॉप लगाई जाएंगे, उसका उसकी बस स्टॉप लगाने की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि मुमरा कौसा के अंदर चुने बस स्टॉप कलर करके लगाए जा रहे हैं, इसीलिए हम सब नगर सेवक मिलके यहाँ विरोध कर रहे हैं कि उन्नावे बस स्टॉप चाहिए। थाने महानगर पालिका परिवहन की सगी औलाद है मुमरा वाले भी, जैसे थाना के लोग हैं वैसे ही कलवा मुमरा दीवा के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं चलेगा, उनको भी नए बस स्टॉप देना पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने जो है हमें कहा कि एक बस स्टॉप हम लगाएंगे यहाँ पर, जब हम यहाँ पर आए तो देखे कि वो पुराना बस स्टॉप है। हम सभी नगर सेवकों ने उसका विरोध किया कि हमको पुराना बस स्टॉप जो थाना से निकाला हुआ है वो नहीं चाहिए, हमको नए बस स्टॉप चाहिए। और सिर्फ टीएमसी बोलती है हम करेंगे हम देखेंगे, जो अपने हमारे महापालिका के जो अधिकारी तो कब करेंगे और कब देखेंगे। रोड वाइंडिंग में जो बस स्टॉप यहाँ से निकल गए तो गटर का काम न होने की वजह से यहाँ बस स्टॉप अभी तक लगाए नहीं है, तो इसीलिए हम लोग आके अभी यहाँ का दौरा किए। जहाँ लगाने जैसी चीज़ है, जहाँ गटर का काम जहाँ होने वाला है उसको थोड़ा बाद में लगाएंगे, और जहाँ लगाने जैसी चीज़ है या इधर कुछ रोड वाइंडिंग नहीं और कुछ तकलीफ नहीं वहाँ हम लोग आज से बस स्टॉप लगाना चालू करेंगे। अभी आने के बाद यहाँ देखिए तो बस स्टॉप यहाँ आया हुआ था, तो हमारे अधिकारी को मैंने पूछा तो उनका कहना था कि ये बस स्टॉप पहले यहीं था, यहाँ का ये बस स्टॉप निकाल के वो रखे हुए थे, उसको फिर से कलर मार के वही बस स्टॉप यहाँ लगा रहे थे। तो हमारे नज़र में आया तो हमारे नगर सेवक साहब और हमारे नेता सब इन्होंने कहा कि यहाँ पे न्यू लगाना है बस स्टॉप, इसके लिए हमने काम रोकने के लिए हमारे अधिकारियों को हमने कह दिए कि ये बस स्टॉप मत लगाओ, यहाँ पे नया बस स्टॉप। अभी हम आपको यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन के बाजू में कल रात में ही यहाँ पे एक बस स्टॉप लगाया गया है, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने यहाँ पे एक पुलिस की वैन खड़ी रहती थी। ये इस तरीके से यहाँ के कुछ लोगों ने जो यहाँ के जो कर्मचारी थी जो टीएमटी विभाग के कर्मचारी ने यहाँ पे ला के इसको लगाया गया। बताया जा रहा है कि ये पुराने बस स्टॉप है, हम आपको दिखाते हैं कि ये जो बस स्टॉप है जो बिल्कुल मेरी ऊपर की तरफ है, ये पूरे इसके जो पतड़े उसके जो लोखंड है पूरा सड़ चुका है, इससे जाहिर होता है कि ये कितना ख़राब यहाँ पे जो पुराना बस स्टॉप यहाँ लगाया गया है। इसी तरह यहाँ पे भी हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे मुमरा में थाना के और दूसरी इलाकों के जो बस स्टॉप है उसको यहाँ पे लाके मुमरा कौसा में जो किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि मुमरा कौसा में यहाँ पे जनता के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। परिवहन विभाग की तरफ से पुराने बस स्टॉप को लाकर यहाँ पे इसको लगाया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी जताई जा रही है। इस वक्त हम यहाँ पे दारुल फला के बस स्टॉप के पास है कि यहाँ पे जो बस स्टॉप लगाया जा रहा है वो पुराना बस स्टॉप है, सिर्फ इसको कलर पेंट वगैरह करके यहाँ पे इसको लगाया जा रहा है, पुराने बस स्टॉप को लाकर यहाँ पे मुमरा कौसा में लगाया जा रहा है। जिस तरीके से 2015 में जो रोड वाइंडिंग में सारे बस स्टॉप निकाले गए थे उसके बाद से 1.5 साल का अरसा हो गया यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई भी बस स्टॉप मुमरा में नहीं लगाया गया है। आज हम आपको वही बस स्टॉप दिखाने लाए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बस स्टॉप लगाया गया है
वो इस बस स्टॉप के ऊपर आनंद नगर लिखा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि ये जो थाना के किसी इलाके का बस स्टॉप था पुराना हो चुका था, जिसको यहाँ पे TMT ने पेंट करके इसको यहाँ पे लाके मुमरा कोसा में लगाया है। इस बस स्टॉप का नंबर यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं 53, 54, 57, 58, 60, 61। इस तरीके से ये बस स्टॉप है जो किसी थाने इलाके का नज़र आ रहा है, जो मुमरा में ला के रख दिया गया है। इस तरीके से TMT मुमरा कोसा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आप देखना ये है कि जिस तरीके से यहाँ के जो नगर सेवकों ने इसका विरोध किया है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही मुमरा कोसा में नए बस स्टॉप लाया जाए, जो जिस तरीके से थाना इलाके में बस स्टॉप है, यहाँ पे मुमरा कोसा में भी यहाँ पे नए बस स्टॉप लाया जाए। अभी हमने इसी पुलिस स्टेशन के बस स्टॉप के बारे में आपको बताया कि यहाँ पे पुलिस वैन खड़ी होती है। अब पुलिस वैन खड़ी होने के पीछे बस स्टॉप कहाँ है, ये पैसेंजर को और बस स्टॉप में लोग हैं उनको पता नहीं चलता। ये इससे पहले का जो बस स्टॉप था वो आगे की तरफ था, आपको वही बता रहे हैं कि ये भी बिल्कुल मेरे पीछे जानी जो पुलिस वैन खड़ी है और उसके पीछे जो बस स्टॉप है, और ये बस स्टॉप बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा इस पुलिस वैन की वजह से। सबसे पहले मेरा सवाल है कि जब भी कोई बस स्टॉप बनता है, जब नया बनता है, तो जाहिर सी बात है कि मटेरियल जो यूज़ होता है नया होता है। जब यहाँ पे नया बस स्टॉप बना है तो पुराना मटेरियल क्यों यूज़ हुआ और भी आउटडेटेड? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नट बोल्ट जो है पूरा जंग लगा हुआ है, वेल्डिंग किया हुआ है, मतलब क्या मुमरा कोसा वालों के साथ सौतेला व्यवहार हमेशा कब तक रहेगा? आप देखिए बैठने का जो सीट है वो रॉड का लगा हुआ है, आप कहीं भी चले जाइए तो नया बस स्टॉप पे स्टील का यूज़ होता है, यहाँ पर स्टील का यूज़ नहीं है। अरे नए सिरे से बनाओ ना, जैसे बम्बई में बनता है स्टील वाला, आजकल सब बम्बई में तो बना हुआ है ना, सुबह सब बैठने उठने के लिए सब सुविधा रहना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ के जो लोगों ने बताया है कि यहाँ आउटडेटेड माल यहाँ पे मुमरा में इस्तेमाल किया जा रहा है और जो सौतेला व्यवहार जो मुमरा में किया जा रहा है, अब देखना यह है कि TMT जो परिवहन विभाग है वो कब इस बस पुराने बस स्टॉप को ले जाते हैं और नए बस स्टॉप को मुमरा कोसा में लाते हैं, और कब जनता को यहाँ पे इस बस स्टॉप का फ़ायदा मिलता है। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।